सभी साथियों को जैकसान। साथियों, आज 1 मई है और दिन है रविवार। सबसे पहले तो आप सबको मजदूर दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और मजदूर इस देश की रीढ़ की हड्डी है, इस बात में कोई शक नहीं है। हालांकि आज के दिन हम लोगों ने बहुत बधाइयाँ दी, बहुत से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के ऊपर सबने बधाई दी, लेकिन आज भी मजदूर की जो स्थिति है उसके अंदर बहुत से सुधार करने की अभी और ज़रूरत है। खैर, पुनः मजदूर दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और किसान के बिना मजदूर और मजदूर के बिना किसान जो है बिल्कुल अधूरा है। ये दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, दोनों एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इनकी कड़ी जो है हमेशा जुड़ी रही है। चर्चा करेंगे साथियों फसलों के भाव के ऊपर, सरसों के ऊपर चर्चा करेंगे और गेहूं के ऊपर चर्चा करेंगे, थोड़ी सी चर्चा चने के ऊपर करेंगे। सबसे पहले तो आप सबसे निवेदन कि आप वीडियो को आगे बढ़ा दें ताकि और साथी जुड़ जाएं और जो है फिर अपनी चर्चा शुरू करेंगे। आज रविवार था, हाजिर मंडियां सारी बंद थी। आज कोई बंद सौदे की भी खबर नहीं आई कहीं से भी, क्योंकि बंद सौदे जो है अब रविवार को कम होने चालू हुए, क्योंकि नरमे के अंदर बंद सौदे काफ़ी होते थे। अभी जो है बंद सौदे साथियों नहीं हो रहे। आप सब लोग वीडियो को शेयर करते हो, लाइक करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी आप लोग शेयर करें ताकि और साथी जुड़ जाएं, अभी कम साथी जुड़े हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे चने के ऊपर, फिर सरसों के ऊपर और फिर गेहूं के ऊपर एक विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, चने के अंदर साथियों रुख मजबूत है, बड़ी तेजी बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। अगले सप्ताह के अंदर भी बहुत बड़ी तेजी चने के अंदर साथियों बढ़ती हुई नहीं लग रही है, क्योंकि चना अब यहां पर आके जो है ठहर सा गया है। एक हालांकि बड़े दबाव झेले हैं चने ने, काफी दबाव से निकलकर फिर भी 4805 के जो भाव थे वो जो है बने हुए हैं, लेकिन असल के अंदर चने में अभी यहां से बहुत बड़ी तेजी दिखाई, जल्दी तो दिखाई नहीं दे रही, समय लग सकता है। विश्व के अंदर जो है खाद्य दालों की मांग है, इस बात में कोई शक नहीं है, और कोविड के भी जो है दोबारा पैर पसर रहे हैं, उससे जो है दालों की कीमतें काफ़ी उछला करती हैं, तो वो सब चीज़ें देख के लगता है कि फंडामेंटल मजबूत है, लेकिन समय लगेगा, समय लग सकता है। अगले सप्ताह के अंदर बहुत बड़ी तेजी चने के अंदर साथियों नहीं है। चने के साथियों से माफ़ी चाहूँगा, रोज़ चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है चना अपना, लेकिन आपको साप्ताहिक रिपोर्ट दे दी कि बहुत बड़ी तेजी आपको चने के अंदर साथियों देखने को नहीं मिलेगी। बात करते हैं साथियों सरसों की। काफी साथी जुड़ गए हैं, काफी भाइयों ने वीडियो शेयर किया, आप सबका धन्यवाद भाई। देखिए, सरसों के अंदर अब इंडोनेशिया वाली जो कल की खबर थी कि 7 तारीख को ये दोबारा मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग के अंदर एक दोबारा डिसीजन लेंगे कि कितने के दिन तक हमें जो है निर्यात बंद रखना है। उसका प्रभाव कल हमें देखने को मिला, शाम होते होते जो है मंडियां मंदी हुई, भाव टूटे। लेकिन एक चीज तय है कि इंडोनेशिया ने तेल बैन किया है, उसका फर्क बाजार के ऊपर पड़ा है। अगर कोई बंदा इसको साफ डिनाई करे तो वो बात मेरे तो जस्ती नहीं है। खैर, क्योंकि हम लोग 40% तेल घर पे उत्पादन करते हैं और 60% बाहर से खरीदते हैं, और इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, सबसे ज्यादा तेल और कच्चा तेल जो है पाम ऑयल जो है बेचने का वो एक केंद्र है, वो एक हब है। तो फर्क तो पड़ा है, लेकिन मान लीजिए 7 तारीख को इंडोनेशिया ये बोल देता है कि भाई हम लोग जो है निर्यात चालू करते हैं और चालू रखेंगे, उससे क्या फर्क पड़ सकता है? उससे फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, चाहे 100 रुपए का पड़े, चाहे 50 रुपए का पड़े, चाहे 200 तक का पड़े, लेकिन सोचने वाली बात यह कि वो फर्क जो है बहुत कम दिन रहेगा और दोबारा रिकवर कर जाएगा। जितना का फर्क तेजी मंदी से इनकी स्टेटमेंट से पड़ना था वो पड़ चुका है, फर्क पड़ा है, भाव बढ़े हैं, 300 रुपए, 350 रुपए भाव बढ़े हैं पिछले सप्ताह के अंदर। लेकिन अब अगर वो अपने डिसीजन को वापिस लेते हैं और ये कहते हैं कि हम लोग जो है चालू करेंगे, निर्यात चालू करेंगे,
तो ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाली साथियों नहीं लग रही। आज काफ़ी साथियों के फ़ोन आए दिन में, सब कह रहे थे कि यार ये तो 7 तारीख की मीटिंग के अंदर मान लीजिए अगर ये कहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो पूर्ण ये फैक्ट है एक कि बहुत ज़्यादा फर्क अब उस खबर से नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ये, हालांकि मैंने तो 10 दिन पहले बोल दिया था जब ये कह रहे थे कि 28 दिन के लिए बैन कर रहे हैं 28 तारीख से, तो मुझे उसी दिन लगा था, मैंने कहा कि इतने दिन ये लोग नहीं रख सकते, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये थोड़े दिन के लिए करेंगे उसके बाद ये अपना डिसीजन वापस ले लेंगे, क्योंकि उनके सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, सरसों से उनको बहुत कमाई है और देश चलाने के लिए बहुत छोटे छोटे देश हैं, बहुत बड़े देश भी नहीं है, तो उनको ये सब चीज़ें जो है देखनी पड़ती हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कल बाजारों के अंदर बहुत बड़ी तेजी मंदी आपको देखने को नहीं मिलेगी, स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, बहुत बड़ी तेजी कल बाजार के अंदर, वही सेम फंडामेंटल है जो पिछले सप्ताह आपको बताया था, रविवार को बताया था पिछले सप्ताह भी, आज भी कह रहा हूँ, एक दो दिनों के अंदर ज़्यादा बड़ी तेजी, कोई जैसे पिछले दिनों में 150-200 रुपये 400 एक दिन में बड़ी है, वैसी तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो है बहुत बड़ी मंदी भी आपको देखने को नहीं मिल सकती, स्टेबिलिटी मिल सकती है, यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको बाजार जो है कमजोर देखने को मिल सकता है। साथियों ओवरऑल सरसों के अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कोविड दोबारा पैर पसार रहा अपने, चाइना के अंदर बहुत बुरी हालात है, बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं, और आज तो हमारे जिले गंगानगर के अंदर भी 2 पेशेंट पॉजिटिव बताए जा रहे हैं, तो आप भी अपना ख्याल रखें। लेकिन अगर ये कोविड दोबारा इसका प्रकोप आता है, जैसा कि कहा जा रहा है कि चौथी लहर आ रही है, पांचवी लहर आ रही है, जो लहरें वो आती हैं वो ऐसी कोई लहर आ रही है, तो फिर सरसों के भाव के ऊपर प्रतिकूल असर पड़ेगा, खराब नहीं होगा, उससे फायदा हो सकता है, सरसों के तेल की डिमांड साथियों और बढ़ेगी, और आगे जैसे दीपावली के बाद तो वैसे भी तेल की खपत थोड़ा बढ़ती है, फेस्टिवल के टाइम आ जाते हैं, त्योहारों के समय आ जाते हैं, तो ओवरऑल महंगा हो सकता है, इस बात में कोई शक नहीं, और सरसों के अंदर रेट आएंगे, बहुत बड़ी तेजी एक दिन में नहीं आएगी, तेजी ये कटिंग में ही आएगी, 3 दिन सरसों 300 बढ़ गई, फिर 200 टूट गई, 100 फिरा प्लस रह गए, फिर 200 फिर बढ़ गई, 50 टूट गई, तो ऐसे चलता रहेगा, लेकिन कोई ज़्यादा दिक्कत वाली सरसों के अंदर साथियों बात नहीं है। इंडोनेशिया के फैसले से अब कोई उसका मायना बहुत ज़्यादा नहीं रह जाएगा। हाँ ये तय है कि अगर वहाँ से वो बोलते हैं कि 7 तारीख की मीटिंग के बाद कि नहीं हम लोग जो है निर्यात बंद ही रखेंगे, हम लोग एक महीना निर्यात नहीं करेंगे, तो उसका पॉजिटिव असर काफ़ी पड़ सकता है। अगर वो वहाँ से ये कहते हैं कि नहीं हम लोग जो है 50% निर्यात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो कोई ज़्यादा इतना फर्क साथियों पड़ने वाला नहीं है, 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए भाव को दबाया जा सकता है, अलावा इसके कुछ नहीं हो सकता। तो एक तो अपना यूट्यूब चैनल है साथियों किसान राजा हेयर, वहाँ भी सारे साथी जुड़ना, दिन में फसलों के भाव की अपडेट अपने वहीं करते हैं, और इस वीडियो को भी भाई आगे साथियों तक पहुँचाना। बात करें साथियों गेहूं की, गेहूं के अंदर क्या था, कल एक मैसेज वायरल हुआ और भयंकर तरीके से वायरल हुआ कि भाई गेहूं पर सरकार ने निर्यात जो भाई करते हैं, जो व्यापारी करते हैं, या मान लो जो बड़े सेठ करते हैं, उद्योगपति करते हैं, उसके ऊपर सरकार एक टैक्स लगाने जा रही है, ताकि वो जब निर्यात करें यानी कि बाहर बेचें, भारत की गेहूं को बाहर बेचें, तो निर्यात के ऊपर टैक्स लगेगा। हालांकि मैंने कल शाम को भी बताया था, मैं अभी बता रहा हूँ, ऐसा कोई टैक्स नहीं लगा अभी तक, सरकार की ओर से सिंगल नोटिफिकेशन भी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है साथियों। चने के बारे में पहले बता दिया छोटू जी, दोबारा वीडियो देख लेना आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई अभी परेशानी नहीं है। अब ये मैसेज जो है वायरल क्यों किए जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। देखिए सरसों इसका गेहूं का भाव MSP से ऊपर है, और कुछ ही की दिनों के अंदर जो है 2400 तक पहुंच गया था, लगभग 2500 और 1482 तो 3000 रुपए बिकी थी, और 2851 जो है 2500 आम बिक्री थी। असल के अंदर बात यह थी कि गेहूं तेजी पकड़ रहा था, और ये लोग स्टॉक ना तो सरसों कर पाए और ना ये लोग जो है गेहूं स्टॉक कर पा रहे थे, सरकार को खरीद कमी हुई है, कोई बहुत ज्यादा अभी तक खरीद जो है सरकार ने नहीं की है, लगभग 150 लाख के नज़दीक जो है इन्होंने अभी तक खरीद की, 150 लाख टन के लगभग इन्होंने खरीद की है सरकारी रेट के ऊपर, तो स्टॉक नहीं हो रहा था। अब ऐसी अफवाहें बाजारों के अंदर आएंगी, थी अफवाह, लेकिन उस अफवाह से कल 60 से लेके 90 रुपए तक गेहूं डाउन गया, थी एक अफवाह ही वो, लेकिन उससे जो है फर्क पड़ा है। तो मेरा कहने का मतलब कि ऐसी अफवाहें बाजारों के अंदर अब चलेंगी, क्योंकि जब किसान को रेट मिलता है तो फिर दिक्कत होती है, काफ़ी
वर्ग है जिनको दिक्कत होती है। अब सारे तो अपने गिनने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो गेहूं के अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रही। गेहूं के अंदर बहुत बड़ी तेजी तो देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ जो 3500-4000 वाली कहानी है वो तो देखो है नहीं, लेकिन गेहूं का फंडामेंटल मजबूत है। गेहूं बड़ी तेजी नहीं आएगी, लेकिन तेजी आ सकती है। कितनी? वही 2500 से 2700 जो गोल था जौ वाला, लगभग ऑलमोस्ट सेट गोल है। इससे ऊपर तो 3000 से ऊपर तो बहुत ज़्यादा कम चांस है जाने की। अब बहुत सारे साथी गेहूं रख के बैठे हैं। अभी एक मेरे भाई हैं परमपाल संधू जी, मित्र हैं, वो भी पूछ रहे थे। गेहूं काफ़ी लोगों ने स्टॉक किया है, हालांकि अमूमन कहानी ये होती है कि गेहूं हम लोग स्टॉक नहीं करते क्योंकि ख़राब हो जाता है, उसके अंदर कीड़ा भी लग जाता है, दिक्कत होती है, संभालना मुश्किल है उसको। इस बार लोगों ने, किसान भाइयों ने इस बार जो है स्टॉक किया है। असल के अंदर सुखविंदर हेयर साहब जी चने के अंदर शुरू में बता दिया मैंने, सुखविंदर गिल साहब क्या चल रहे। तो देखिए, इस बार जो टोटल उत्पादन था, आंकड़ों की बात कर लें, गेहूं का जो टोटल उत्पादन था काफ़ी लैप्स गया, नीचे गया था, गिरा था। और एक अनुमान, ये जो सरकारी रिपोर्ट थी उसका ये अनुमान था कि 1130 से 1135 लाख टन जो है टोटल गेहूं हो सकता है इस साल का, जो अभी मौजूदा दौर जिससे हम निकल रहे हैं। हुआ ये कि लास्ट में गर्मी पड़ी और भयंकर गर्मी पड़ी, उस भयंकर गर्मी के कारण गेहूं का जो दाना था वो कमज़ोर हुआ, उसकी क्वालिटी भी खराब हुई, क्वालिटी भी डाउन हुई और झाड़ के अंदर भी असर पड़ा। जो झाड़ 15 क्विंटल की जिन एरिया के अंदर एवरेज आती थी वो 12, 11, 12, 13 लास्ट इसके बीच रह गया। तो अब जो उत्पादन है, लगभग ये माना जा रहा है कि 1000 टन तक ही, 1000 लाख टन तक ही जो है रहेगा। जो ऊपर का 130 लाख टन था वो जो है, 130 35 लाख टन था वो जो है कम होगा। अब असल के अंदर देश के अंदर एक स्टॉक होता है, मतलब कि एक स्टॉक होता है देश के अंदर, और वो स्टॉक भी लगभग 150 से 200 क्विंटल का देश के अंदर होता है। अब 80 लाख टन का सौदा किया भारत ने मिस्र के साथ कुछ दिन पहले, वो एक पॉजिटिव साइन था। वो जैसे ही सौदा हुआ तो व्यापारी लोगों के कान खड़े हो गए कि भाई साहब हमें स्टॉक इस बार मुश्किल हो गया, क्योंकि सरकार डायरेक्ट सेलिंग कर रही है तो सरकार खरीद के सरकार बेचने का काम करेगी। एक सौदा अगर वैसा और हो जाए, चलो वैसा नहीं, 80 लाख टन का नहीं हो, 50 लाख टन का एक सौदा और हो जाए तो गेहूं के अंदर वारे न्यारे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। गेहूं तेज हो सकता है और होगा, ये सौदा होगा, लग रहा है कि सौदा ये हो सकता है। हालांकि देश के अंदर काफ़ी खपत है गेहूं की, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी के अंदर काफ़ी खपत है। और फिर जो है ये राशन जो बांटा जाता है, एक जो प्रधानमंत्री जी की स्कीम चल रही है, फिर ये जो मतलब कि काफ़ी मात्रा के अंदर गेहूं की खपत है और गेहूं इस बार कम हुआ है, तो ये पूरे एक सिम्टम बनते हैं, पूरा एक चांस बन सकता है कि गेहूं के अंदर जो है तेजी साथियों बन सकती है। बड़ी तेजी नहीं बनेगी, लेकिन रुख पॉजिटिव है, फंडामेंटल मजबूत है, अगर सरकार की तरफ से कोई अड़ंगा नहीं अड़ाया गया तो। रामस्वरूप जी, ग्वार के बारे में कल बात करेंगे, सोयाबीन की थोड़ी बात कर लें। बहुत बड़ी तेजी जो है सोयाबीन के अंदर नहीं लग रही, मैंने कल भी कहा था, सोयाबीन के अंदर भी जो है सरकार का रुख बहुत सख्त है। खाद्य तेलों के अंदर ही आता है सोयाबीन भी, आप इसको सरसों का एक अल्टरनेट भी मान सकते हैं, और सरसों का अल्टरनेट अगर आप मानते हो तो सोयाबीन के अंदर तेजी उसके बाद आएगी, दो नंबर में, पहले सरसों के अंदर आएगी, और सरसों और सूरजमुखी के अंदर तीसरा नंबर सोयाबीन, फिर मूंगफली। तो अभी सोयाबीन के अंदर इन दिनों में, नेक्स्ट वीक जो अगला सप्ताह आएगा उसके अंदर साथियों तेजी कोई बहुत बड़ी नहीं लग रही है। तो सरसों के अंदर कल बहुत बड़ी तेजी नहीं रहेगी, एक माहौल बन सकता है, फंडामेंटल मजबूत हो सकता है, वो चीज हो सकती है। गेहूं के अंदर भी बहुत ज्यादा तेजी कल नहीं बनेगी, सोयाबीन के अंदर भी नहीं लग रहा कि कल बनेगी, और चने के अंदर तो अगले सप्ताह के अंदर ही मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तेजी नहीं बढ़ सकती। ग्वार के बारे में एक साथी पूछ रहे थे, आज ग्वार की स्टडी नहीं हुई साथियों, कल ग्वार के बारे में आपको जरूर बताएंगे। तो कल सुबह 11 से 12 बजे के बीच में दोपहर का जो अपने अपडेट डालते हैं यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर, वहां जुड़ना, वहां पे डालेंगे साथियों, और शाम को यहां पे लाइव आपको मिलेंगे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।